अस्सलामुअलैकुम फोर्थ क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं। फोर्थ क्लास बेटा, मैं आप लोगों की मैथ्स की टीचर हूं और आज डेट है मंडे 17 अगस्त 2020। अपना वर्क करने के लिए अपना रजिस्टर ओपन करें, डेट पुट करें मंडे 17 अगस्त 2020। होमवर्क है आपका टेबल ऑफ 13, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं हम फ्रैक्शंस का, पेज नंबर 119 और 120 आज हमने करना है। तो 119 पे हमारा क्वेश्चन है ऐड 1/3 एंड 2/15, एडिशन के क्वेश्चंस करने हैं हमने। तो ये देखें, एड 1/3 एंड 2/15, तो हमने क्या करना है, हमने दोनों डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। तो मल्टीपल्स लेंगे हम 3 के और 15 के, मल्टीपल्स ऑफ 3 है हमारे पास। हमने 3 का टेबल रिकॉल करना है कि हमारे पास 15 कहाँ तक आता है। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15। इसी तरह ही हम 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15 1s are 15, 15 2s are 30, 15 3s are 45, और आगे सो ऑन कर देंगे। हमारे पास ये 15 कॉमन आ गया, एलसीएम है हमारे पास 15, ठीक है। इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर 1/3 प्लस 2/15 इज इक्वल टू, अब हमने यहाँ इसको इसके इक्वल करना है। तो हमने 3 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास 15 आ जाए, 3 5s are 15 होता है। अब नीचे वाली वैल्यू को हम जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर वाली वैल्यू को भी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इज इक्वल का साइन लगाएंगे, 1/3 करेंगे, लाइन को एक्सटेंड करें, मल्टीप्लाई बाय फाइव, क्योंकि हम नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, प्लस का साइन लगाएंगे। अब 15 इधर है हमारे पास, तो हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करना है, 2 multiply by 1, 15 multiply by 1। इज इक्वल का साइन लगाएंगे, 5 1s are 5, 5 3 5s are 15 प्लस 2 1s are 2, 15 1s are 15, ठीक है। इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर हमने 15 इनमें कॉमन है तो 15 नीचे आ जाएगा, 5 plus 2 करेंगे, 5 plus 2 over by 15 इज इक्वल टू 7/15, ये इसका आंसर है। फिर पेज नंबर 120 पे आ जाएं आप, ये देखें बुक पे, पेज नंबर 120 पे ये हमारा क्वेश्चन है ऐड 1/3 एंड 2/5। तो ये देखें, एड 1/3 एंड 2/5, इसका सोल्यूशन करके आपने करना है 1/3 प्लस 2/5। अब इन दोनों के हमने मल्टीपल्स लेने हैं, नीचे वाले जो हमारे डिनोमिनेटर होते हैं हमने उन दोनों को इक्वल करना होता है, मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 5। अब हमने 3 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 15 कॉमन आएगा, 5 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास 15 आ जाए। तो इसमें ये देखें, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, ये 15 हमारे पास कॉमन आ गया, एलसीएम हमारे पास आया 15। इक्वल का साइन लगाएंगे, 1/3 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 1/3, लाइन को एक्सटेंड करोगे मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, तो ऊपर वाली वैल्यू को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 multiply by 5 प्लस। अब यहाँ क्या करेंगे, 5 3s are 15 होता है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 multiply by 3, 5 multiply by 3, लाइन एक्सटेंड करके आपने मल्टीप्लाई बाय 3 करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। फिर उसके बाद आ जाएगा 5 1s are 5 by 3 5s are 15 प्लस 2 3s are 6, 6 by 15। तो 15 इन दोनों में कॉमन आ गया, इक्वल का साइन लगाया हमने, 5 plus 6 किया बाय 15 इज इक्वल टू, 5 plus 6 कितना होता है, ऐड करें 11 11 by 15 इज इक्वल टू आंसर। नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपने बेटा फोर्थ क्लास अपना वर्क मुझे सेंड करना है, और जिस चीज की समझ ना आए मुझसे दोबारा पूछना है, ठीक है।